चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, डर लगता है आपको किसी चीज़ से तो जानकर चौंक जाएंगे आप। एक बहुत ही बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ, इसे आप देखें। आपने देखा या सुना होगा कि कुछ लोग पानी से डरते हैं, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ निचाई से डरते हैं, कुछ गाड़ी में चढ़ने से डरते हैं, कुछ छोटे मोटी चीज़ है जिससे उसको डर लगते रहता है। लेकिन सब अलग अलग, किसी सभी आदमी में अलग अलग डर का एक खास चीज़ मौजूद रहता है जिससे वो घबराते हैं, डरते हैं। इस डर का कारण पिछले जन्म का यादों में छुपा होता है, जो हमारे अवचेतन मन में कहीं दबा हुआ होता है। एक टेलीविज़न चैनल पर कुछ समय पहले एक धारावाहिक दिखाया जा रहा था जिसका नाम था राज पिछले जन्म का। इस धारावाहिक में कई ऐसी घटनाओं को दिखाया गया है जिसमें मेडिटेशन के द्वारा पूर्व जन्म की घटनाओं की जांच पड़ताल करके व्यक्ति का उपचार किया गया है। मेडिकल साइंस भले इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाता हो कि पूर्व जन्म होता नहीं है या होता है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा मन में बसे अवचेतन यादों को उभार कर डर और दूसरे कई रोगों का उपचार संभव है। रिग्रेशन थेरेपिस्ट उन कारणों का पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति अधिक संवेदनशील और भय क्यों प्रकट करता है। हीलिंग पास्ट लाइफ थ्रू ड्रीम्स के लेखक जे डी ने लिखा है कि बचपन से ही उन्हें हाथ पांव को सिकोड़ने और बैठने से डर लगता था। इस डर की वजह वह समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक रात उन्होंने ऐसा सपना देखा जिसमें उन्हें अपने डर का कारण का पता चल गया। एक लड़के को कुछ लोगों ने हाथ पैर बांध कर कंबल में लपेट दिया था और उसकी पिटाई कर रहे थे। लोगों ने उसे एक अंधेरे कुएं में धकेल कर मरने के लिए छोड़ दिया। जेडी देखा वह लड़का कोई और नहीं, वह खुद था। उन्हें लगा कि वह उनके पूर्व जन्म की घटना थी। इसी घटना के कारण वह था कि वह पांव सिकोड़ने बैठने से डरने लगा। वह पूर्व जन्म का रहस्य पता चल गया तो उनका वह डर दूर हो गया। इन्होंने माना कि अब चेतन मन में बसी पूर्व जन्म की यादें ही उस जन्म का डर ही उसका मेन कारण होता है। दोस्तों, अगर आप में भी कोई ऐसा डर है, कभी आप स्वप्न में उस पर ध्यान रखने की कोशिश करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि किस वजह से आपको ये डर लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।